तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई के नाम पर फर्जी वीडियो वायरल करने के मुख्य आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस अपने साथ ले जाएगी। इसकी इजाजत पटना की विशेष अदालत ने दे दी है। बता दें कि मनीष के खिलाफ तमिलनाडु में दो आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इसे लेकर तमिलनाडु के मदुरै जिला कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपी मनीष कश्यप को कोर्ट में पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। इसकी जानकारी बेउर जेल प्रशासन को भेजी गई थी और फिर बेउर जेल प्रशासन ने मनीष कश्यप को तमिलनाडु के मदुरै कोर्ट में पेश करने की अनुमति के लिए पटना के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी से आवेदन किया था। इससे पहले बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू बिहार पुलिस की टीम ने उसे 5 दिन तक गहन पूछताछ की, लेकिन इस दौरान भी वो मनीष कश्यप का वो मोबाइल बरामद नहीं कर पाई जिससे कथित तौर पर तमिलनाडु से जुड़े फर्जी वीडियो अपलोड किए गए। हालांकि पूछताछ के बाद सोमवार को ईओयू की स्पेशल कोर्ट में मनीष कश्यप को पेश किया गया। इसके बाद एसडीएम आदिदेव ने मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया। इधर मनीष कश्यप को ले जाने के लिए तमिलनाडु पुलिस की एक टीम पटना आ चुकी है। इस टीम ने पटना की जिला अदालत में मनीष कश्यप को रिमांड पर लेने के लिए याचिका भी दायर की है। इस पर आज फैसला आ गया है। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु के कृष्णागिरी और बरगूर थाने में अलग अलग मामलों में FIR दर्ज है। इन्हीं मुकदमों से जुड़ी पूछताछ के लिए मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस रिमांड पर लेना चाह रही थी। वहीं बीते कुछ दिन पहले मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंद बुलाया गया था, जिसमें तमाम जिलों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर मनीष कश्यप के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया था और मनीष को साजिश का शिकार बताया था। हालांकि अब आने वाले दिनों में मनीष की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि तमिलनाडु में भी मनीष पर हिंसा के फर्जी वीडियो वायरल करने के आपराधिक केस दर्ज हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।